चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला जारी किया है, जिसके बाद अब शिवसेना का नाम और पार्टी का निशान दोनों ही उद्धव ठाकरे से छिन गया है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम और शिवसेना का प्रतीक तीर कमान सौंप दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में यूं तो लंबे समय से उठापटक जारी थी, वहीं शिवसेना के नाम और पार्टी के सिंबल पर हक को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच पिछले कुछ समय से तनातनी चल रही थी। इसी बीच चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा, जानिए इस रिपोर्ट में। प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता वाटत नहीं, हा लोकशाही चा विजय आहे, हा बहुमताचा विजय आहे। आणि पुन्हा एकदा मी सांगतो, हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या विचारांचा विजय आणि तमाम लोकप्रतिनिधी जे आहेत, माझ्या सोबत असलेले 50 आमदार, सर्व खासदार, लोकप्रतिनिधी ज्यांनी माझ्या भूमिकेशी एकरूप झाले, या सगळ्यांचा विजय आहे आणि अखेर हा सत्याचा विजय आहे। हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जी के विचारों पर चलने वाली शिवसेना यानि मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को शिवसेना का चिन्ह धनुष्य बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो विश्वास था, आज उस विश्वास को पूरे तरीके से बल मिला है और असली शिवसेना, बाळा साहब के विचारों पर चलने वाली शिवसेना, ये एकनाथ शिंदे जी की ही है।